नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे और मैं हूं रमन सैनी। जम्मू की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का काम इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है और साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर इस रिवर फ्रंट को, तवी रिवर फ्रंट को विकसित किया जा रहा है। आज इस कामकाज का निरीक्षण करने के लिए माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साइट पर पहुंचने वाले हैं और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो पूरी की गई हैं। इस रिवर फ्रंट को तीन फेज के अंदर जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। पहला फेज जो होगा वो भगवती नगर ब्रिज से लेकर और विक्रम चौक ब्रिज के बीच में 2024 में कंप्लीट होना है और उसके बाद आगे ये दूसरे फेज के अंदर जो है प्रोजेक्ट गुज्जर नगर ब्रिज तक और फिर तीसरे फेज में हर की पौड़ी तक जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। करीबन 3.5 किलोमीटर का ये पूरा तवी रिवर का फ्रंट का जो प्रोजेक्ट है उसका कामकाज इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी लेकिन कई कारणों की वजह से और 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ के चलते ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अधर में लटक गया था। लेकिन फिर पिछले साल इस प्रोजेक्ट को दोबारा पुनर्जीवित किया गया और गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया कि साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर जम्मू की इस तवी रिवर फ्रंट को भी विकसित किया जाएगा और इससे जम्मू की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लग जाएगा और कहीं ना कहीं जो तवी नदी, जो एक तरह से लोग उसे अनदेखा करते हुए जा रहे थे, उसकी तकदीर भी पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो साइट पर आप काम देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीनरी जो है वो पूरी डिप्लॉय की गई है और पिछले करीबन 6-8 महीने से लगातार वारफ्रंट पर काम जो है वो चल रहा है। सामने बैराज देख रहे हैं, ये बैराजिस जो है वो बनकर काफ़ी देर पहले तैयार हो गए थे लेकिन इनको पूरा अमली जामा पहनाने में वक्त लग गया और अब इन्हें भी पूरा करने का काम किया जा रहा है। जो पूरी परियोजना है उसके तहत इस रिवर फ्रंट को तो तैयार किया ही जाएगा लेकिन इन बैराज के साथ में जो बीच में पॉइंट, सेंटर पॉइंट एक टापू सा है उसके अंदर जो है एक कैफेटेरिया बनाया जाएगा ताकि लोग वहां पर आएं, बैठें, अपनी शाम जो है वो इंजॉय करें और साथ साथ में बोटिंग जो है उसका भी नज़ारा यहां से ले सकेंगे। तो निश्चित रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आपसे कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और यहां पहुंचकर इस पूरे कामकाज का न केवल जायजा लेंगे बल्कि ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो समय सीमा तय की गई है इस काम को पूरा करने को लेकर उस समय के पहले पहले इस काम को पूरा किया जाए और तवी रिवर फ्रंट के फर्स्ट फेज को जो गुज्जर नगर भगवती नगर ब्रिज से लेकर और विक्रम चौक ब्रिज के बीच में जो पहला फेज का काम है वो 2024 की जो तयशुदा तिथि है उससे पहले पहले पूरा करके कंप्लीट कर जम्मू की जनता को इस पहले फेज को समर्पित किया जा सके और उसके बाद विक्रम चौक से लेकर गुज्जर नगर ब्रिज के बीच में जो दूसरा फेज होगा उस कामकाज की भी शुरुआत की जा सके। तो निश्चित रूप में एक बहुत पुरानी और लोगों की एक चाहत थी कि इस तवी रिवर फ्रंट को विकसित किया जाए लेकिन कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। खानापूर्ति के लिए उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक कोशिश जरूर की गई थी कि यहाँ पर इस तवी रिवर फ्रंट का जो है विकास किया जाए, यहाँ पर इसका निर्माण किया जाए ताकि जम्मू की खूबसूरती में चार चांद लग सके। उसके बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो चली गई, यहाँ पर सरकार जो है कांग्रेस की और पीडीपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार दोबारा मिलकर आई लेकिन उसके बावजूद जो है इस काम को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाया जा सका। उसके बाद 2014 में जो है उनकी सरकार 2015 में जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार चली गई, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सभी जानते हैं। किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, कई बार कोशिशें तेज हुई, शहरी विकास मंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, उनकी तरफ से भी कोशिशें की गई लेकिन 2014 में जिस तरीके से विनाशकारी बाढ़ आई थी उस बाढ़ की भेंट चढ़ गया ये पूरी की पूरा प्रोजेक्ट जो था वो उसकी भेंट चढ़ गया और उसके बाद से ही अधर में लटका हुआ था। लेकिन 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जब इसे दोबारा साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने का फैसला लिया गया उसके बाद यहाँ पर कामकाज जो है वो जोरों शोरों से शुरू किया गया और आज यहाँ पर खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस कामकाज का निरीक्षण करने के लिए कुछ देर बाद पहुंचेंगे, उसकी भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी के अन्य खबरों के लिए आप बने रहें जेके न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।